प्रसन्नराज भंसाली, मेरी और मेरी धर्मपत्नी पवन भंसाली की गोल्डन जुबली पर आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। मैं आज के दिन मेरे पिताजी श्री हुकुमराज भंसाली जी और श्री माता श्री अक्कल कंवर जी को मैं याद कर रहा हूँ, उनको नमन करता हूँ। आज उनके आशीर्वाद से हम ये गोल्डन जुबली मना रहे हैं। आज मुझे विश्वास है कि मेरे माता पिता मुझे स्वर्ग में से मुझे इस गोल्डन जुबली के फंक्शन पर उनका आशीर्वाद मुझे हम दोनों को मिल रहा होगा। आज से 51 साल पहले मेरे जीवन में एक लड़की पवन आई थी। सगाई और शादी के बीच का 1 साल हमारे लिए गोल्डन समय था। वह समय पवन भी याद करती है और मैं भी याद करता हूँ। 1972 में मेरी शादी पवन भंसाली से हुई थी। वह समय मैं याद करता हूँ तो मुझे उस हमारी शादी की विदाई की याद आ जाती है। जब हमारी विदाई हुई थी तब पवन की माता जी राजकुमारी जी मोहनत ने वो जो शब्द अपनी बिटिया के लिए कहे थे वो मेरे कानों में आज भी गूंज रहे हैं। उन्होंने कहा, तेरे सास ससुर, तेरे माता पिता, तेरे देवर और तेरे नंदे भाई और बहन हैं, उनका तू पूरा ख्याल रखना। और अब से आज से तेरे ससुराल के ससुराल की पूरी सेवा करना और उनके प्रति पूरा ध्यान रखना। वह शब्द मुझे आज भी याद है। मैं पवन के माता पिता श्री उगमरासा मोहनोत एंड श्री राजकुमारी मोहनोत को नमन करता हूँ कि उन्होंने अपनी पुत्री को ऐसे संस्कार दिए जिस जो कि मेरे हमारे परिवार में आकर हमारे घर परिवार को एकजुट में जोड़ा और एक हमारे परिवार को स्वर्ग बना दिया। हमारे जीवन में बहुत से अनमोल पल आए जिस इन सुनहरे पल में 3 फूल खिले, नीतू, नवीन और निधि। जीवन की बगिया बढ़ती रही। हमारे ये मनोषा और पीयूषा जवाई के रूप में पुत्र मिले। प्यारी बहुरानी हीरा हमारी बेटी के रूप में मिल गई। जीवन की बगिया बढ़ती रही। मुझे नाती के रूप में 3 नाती सनी, ऋषभ और साहिल के रूप में मिले और पोते के रूप में मुझे नमन मिला जो कि मेरे जीवन में ये मेरे लिए डायमंड है। गुड मॉर्निंग सर, उठ गए आप? आपको मेडिटेशन करना हो प्रणाम करती हूँ। ओम शांति। मैं इस गोल्डन जुबली के अवसर पर मेरी धर्मपत्नी पवन के लिए कुछ शब्द और कहना चाहता हूँ। पवन, तुम्हारे होने से ये धड़कने चलती है और तुम्हारी मुस्कान से की चाहत में ये कलियां भी खिलती है। तुम्हारे होने से मुसीबतें सब हल हो जाती है। तुम्हारे होने से खुशियां हैं सारी। तुम्हारे होने से सारी मुश्किल आसान लगती है। मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है।
चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना कसमे है ना रस्मे है, ना शिकवे है ना वादे है। ना कसमे है ना रस्मे है, ना शिकवे है ना वादे है। एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे साधे हैं, दो नैना सीधे साधे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मेरी खुशियाँ ही ना बाटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। आप सभी ने यह अमूल्य अमूल्य समय देकर इस प्रोग्राम में पधारे, इसके लिए मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। जय जिनेंद्र।